जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, अगर आप पोस्ट ऑफिस एजेंट हैं या फिर आप पोस्ट ऑफिस में एजेंट का काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कस्टमर्स के अकाउंट ओपन करना, अकाउंट के बाद सेविंग अकाउंट में पैसे उसमें जमा करना और कस्टमर्स को बैंक से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना, अगर ये सब आप काम करते हैं, अगर आप पोस्ट ऑफिस के एजेंट हैं, तो आपको जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी जो किस्त होती है वो ऑनलाइन तरीके से पे करनी होती है। उसको बहुत सारे लोग RD इंस्टॉलमेंट भी पे करना कहते हैं। उसको पे करने का सिस्टम क्या है, पहले डिफरेंट था, अब वो सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। अब क्या है, हर एक अकाउंट के साथ नया SLS नंबर जोड़ने के बाद ही अमाउंट आप पे कर सकते हैं, कैश के द्वारा या फिर चेक के द्वारा या फिर DDD वन ड्राफ्ट के द्वारा। सो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे SLS नंबर को अपने हर एक कस्टमर के अकाउंट से कैसे लिंक कर सकते हैं, कैसे आप नए तरीके से प्रोसेस करेंगे ऑनलाइन तरीके से पैसे पे करने के लिए एजेंट की ID से। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं चंद्रवान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर के सर्च बॉक्स पे आपको टाइप करना है पोस्ट ऑफिस एजेंट लॉगिन, एंटर प्रेस करेंगे। फर्स्ट वेबसाइट जो आएगी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एजेंट लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पर एजेंट ID और आपका पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। ये आपको एजेंट आईडी और पासवर्ड आपके पोस्ट ऑफिस से मिलेगा, जहाँ के आप एजेंट होंगे उस ब्रांच से। तो यहाँ पर आपको वही अपनी पोस्ट ऑफिस की आईडी डालना है, एजेंट ऑफ आईडी आपकी, और पासवर्ड यहाँ पर डालना है, कैप्चा डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होगा, जहाँ पर ऊपर आपका नाम लिखा हुआ होता है। यहाँ पर आपका नाम होता है, जो भी एजेंट का नाम है वो यहाँ पर शो होता है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, डैशबोर्ड, चेंज पासवर्ड और अकाउंट। यहाँ पर आपको अकाउंट्स पे क्लिक करना है। अकाउंट्स पे क्लिक करने पे आपको चार ऑप्शन और मिलते हैं, एजेंट इंक्वायर एंड अपडेट स्क्रीन, रिपोर्ट अपडेट, SLS नंबर रिपोर्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना SLS नंबर अपडेट कर देना है। अगर आपने अभी तक अपना SLS नंबर अपडेट नहीं किया है या फिर आपने अपना SLS नंबर लिंक नहीं किया है, तो आपको अपना SLS नंबर हर एक जो भी आपके कस्टमर हैं उनके साथ लिंक करना होगा। SLS नंबर आपको मिलेगा आपके पोस्ट ऑफिस से, जहाँ के भी आप एजेंट हैं, तो जितने भी लोगों का आपने अकाउंट नंबर ओपन किया हुआ है उस ब्रांच पे आप जाएंगे, जहाँ के भी आप एजेंट हैं, वहाँ से आपको SLS नंबर की लिस्ट आपके जितने भी कस्टमर होंगे दे दी जाएगी। तो यहाँ पर आप SLS नंबर अपडेट करने के लिए अपडेट SLS नंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी एजेंट आईडी आएगी, RD अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, यानी कि जो भी आपके जो कस्टमर है उनका अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करना है, और आपको SLS नंबर फिल करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस प्रकार करके सारे SLS नंबर को आप यहाँ पर फिल कर देंगे। SLS नंबर सारे अकाउंट्स में अपडेट करने के बाद अब आपको अपना पैसा जमा करना है, तभी आपका पैसा जमा हो पाएगा। यहाँ से एजेंट इंक्वायर एंड अपडेट स्क्रीन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डिपॉजिट अकाउंट किस प्रकार से करना है, जैसे कि आपको कैश मिला है तो आप कैश डिपॉजिट करेंगे या चेक के माध्यम से करेंगे या फिर नॉन DP चेक के माध्यम से आप करेंगे। जैसे हमने कैश करना है, कैश पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी अकाउंट आईडी जितने भी लोगों की फेच करना चाहें तो अकाउंट आईडी डालेंगे और फेच पे क्लिक करेंगे, तो सारे अकाउंट यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे पहले ही यहाँ पर ये सारे अकाउंट शो हो रहे हैं, तो फेच करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही यहाँ पर लोगों का डाटा शो हो रहा है। अगर आपका एक से ज़्यादा डाटा है तो कॉमा लगा लगा के आप सारे लोगों का यहाँ पर फिल कर लीजिए, देन आप फेच पे क्लिक कीजिए। सारे लोगों का अकाउंट नंबर यहाँ पर आप कॉमा लगा के फिल करेंगे, फेच पे क्लिक करेंगे, तो सेम डेटा आपका पूरा शो हो जाएगा। इसके बाद सारे यहाँ से आपको ये सिलेक्ट कर लेने हैं, जितने भी आपके कस्टमर्स हैं सबको सिलेक्ट कर लेना है और सेव पे आपको क्लिक करना है। सेव पे आप क्लिक करेंगे तो फाइनली आपका सारा डाटा सेव हो जाएगा, और यहाँ पर पे ऑल सेव्ड इंस्टॉलमेंट पे आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। योर पेमेंट रेफरेंस नंबर आपको एक जनरेट हो जाएगा, इस नंबर को आपको कॉपी करके रख लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पर कॉपी फैसिलिटी नहीं है, तो स्क्रीनशॉट के लिए विंडो प्रिंट स्क्रीन प्रेस करेंगे या फिर आप इस नंबर को याद भी कर सकते हैं। जैसे हमारा ये नंबर है, इसे हमने कॉपी करके रख लिया। इसके बाद रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है।
इसके बाद यहाँ पर आपको वही नंबर फिल करना है जो आपने वहाँ से कॉपी किया हुआ था, और जो डेट है वो करंट डेट आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको स्टेटस में सक्सेस फिल करना है और सर्च पे क्लिक करना है। आपके सामने आपका पूरा डेटा होता है जो कि आपने अभी वहाँ पर पे किया हुआ है, जिसकी पे डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 26/4/2022 को ये पे किया गया है, स्टेटस सक्सेस है। इसकी फाइल आपको डाउनलोड करना है, जिसके लिए यहाँ से डाउनलोड एज PDF सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। बिना SLAS नंबर अपडेट किए हुए आप ये फिल नहीं कर सकते हैं और आप यहाँ से पैसा जमा नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले अपना SLAS नंबर हर एक अकाउंट में लिंक जरूर कर लें। इसके बाद इसे ओपन करने यहाँ पर आपकी रिसिप्ट आ जाती है, जितना भी अमाउंट आपने पे किया है वो सारा अमाउंट यहाँ पर आपको नीचे शो होगा। टोटल 12,000 अमाउंट यहां से पे किया गया है, ये सारा अमाउंट आपको शो हो रहा है, इसे आप प्रिंट करके अपने पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं। गाइस ये था आज का वीडियो में आपने जाना कि आप पोस्ट ऑफिस एजेंट होकर तो कैसे आप अमाउंट अपनी इंस्टॉलमेंट्स कस्टमर्स के एजेंट की कैसे पे करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।